ये मेरी छोटी ही कोशिश है, सबसे पहली कोशिश है जो ये भजन माँ चंडी का आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। और ये भजन जो है माँ चंडी ने 2009 में लिखाया था, और आज तक माँ चंडी की गुरुजी की इजाज़त नहीं थी, तो आज 2023 में ये रिलीज़ हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी माँ चंडी के सेवक हैं इनको ये पसंद आए, और आज जितना भी आगे ले जा सकें। तो जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं माँ चंडी के चरणों में ऐसे ही लिखता रहूँगा, और आगे माँ चंडी और ठाकुर जी का प्रचार करता रहूँगा। और आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो धीरे धीरे आगे मैं रिलीज़ करता जाऊँगा। बस बात इतनी थी कि पहले भजन की रिलीज़ की थी कि गुरु जी ने इजाज़त दी, माँ भगवती ने इजाज़त दी, तो आज ये आपके बीच में लेके आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, ठाकुर जी का माँ चंडी का आशीर्वाद बना रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और आगे जो भी मेरे प्रोजेक्ट हैं वो धीरे धीरे माँ चंडी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में रखता रहूँगा। जय माता दी। अपना मनीष जी, मनीष परिहार, आज इनका भजन रिलीज़ होने जा रहा है, तो माँ चंडी की, माँ चंडी से हम यही दुआ करते हैं कि इनका भजन मतलब अच्छे एक मुकाम पे रिलीज़ हो, और उसे इनको कृपा मिले, इन पे आशीर्वाद रहे, और मतलब आगे भी इनके भजन आते रहे। आज यहाँ पे हमारे ये अपना डॉक्टर देशवीर सिंह जम्वाल जी, अपना वैष्णो देवी के पुजारी जी, उसके बाद हमारे डॉक्टर वरुण जी, दीपक जी, तो हम सबको यहाँ पे एक इन्होंने मौका दिया है कि हम भी इनके साथ शामिल हों भजन रिलीजिंग में। तो मैं माँ चंडी से यही प्रार्थना करता हूँ, और ठाकुर कुलवीर जी सिंह से, कि भाई इनको माता रानी का आशीर्वाद मिले, और बड़ी संख्या में इनका भजन जो है लोगों को पसंद आए। बड़ी प्रसन्नता का दिवस है कि हमारे छोटे भाई श्री मनीष परिहार जी की शोर लेके थे रिलीज की जा रही है, और जिसमें आशीर्वाद देने के लिए वजीर माता जी के गुरु, उनके छोटे भाई कुलवीर जी के छोटे भाई हमारे साथ विराजमान हैं, डॉक्टर साहब, आप और सभी सम्मिलित भाईजान जो सम्मिलित हैं, उनके आशीर्वाद से ये इवेंट रिलीज होने जा रही है। और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि माता मचेल रानी जी, वैष्णो माता जी, इनकी लेखनी में नए नए रंग भरें, और इनके कंठ में वो स्वर प्रदान करें। Thank you.